इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे ठीक है, और हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका, फर्स्ट। और क्वेश्चन कहता है इसमें प्रूफ दैट, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, और इसमें प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है डिटरमिनेंट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर ए बी बी सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये लेके चले हम एक लेफ्ट हैंड साइड, एक मिनट रुक जा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर ओके। तो यहां सबसे पहले आप आर वन देखेंगे, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहां पे अगर आप देखें तो फर्स्ट रो में ए कॉमन है, सेकेंड में बी, थर्ड में सी, यहां पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम आर वन बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम फ्रॉम आर थ्री। आर वन से ए कॉमन निकाला, आर टू से बी और आर थ्री से सी कॉमन लिया, तो ये आपके पास कॉमन आ गया ए बी सी। और अब जो डिटर्मिनेंट आपके पास बचा वो यहां से ए कॉमन है तो ये बना माइनस ए बी सी, यहां से बी कॉमन है ए माइनस बी सी, और लास्ट रो से सी कॉमन है ए बी और माइनस सी, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट को आप फिर से चेक करें तो आपके पास जो वैल्यू है उसमें से आप कॉलम से फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड से बी और थर्ड से सी कॉमन आ रहा है। एक बार फिर से तो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में टेकिंग कॉमन कॉमन ए फ्रॉम सी वन बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम सी थ्री। अब फिर से एबीसी कॉमन, एक बार पहले भी था तो ये बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कॉमन आया। फिर यहां पे चेक करेंगे जब यहां से ए कॉमन आया तो माइनस वन वन वन, यहां से बी कॉमन आया तो वन माइनस वन वन, और यहां से सी कॉमन आया तो वन वन माइनस वन, तो ये वैल्यू आ गई माइनस वन वन वन, वन माइनस वन 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 माइनस वन, ये वैल्यू ओके। नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं ठीक है, बट हमें अभी एक्सपेंड नहीं करना है, अभी हम दो रो को ऐड कर देंगे। आर वन पे अप्लाई किया आर वन प्लस आर टू ठीक है, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन को हमें इजी करना होता है इसकी प्रॉपर्टी यूज करके।
ये बना आपके पास ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। और डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो कहने का मतलब सेकंड और थर्ड को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू। और जैसे ही आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रूव दैट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि किसी रो या किसी कॉलम पर कम से कम एक एलिमेंट और ज्यादा से ज्यादा दो जीरो के इक्वल करने। जब ऐसा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करते हैं, हम एक्सपेंडिंग आर वन, आर वन का मतलब है फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, ये बना आपके पास ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। और एक्सपेंड करने के लिए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपने सीखा ही है पहले भी, मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, सेकंड के साथ साइन माइनस आते हैं, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और लास्ट प्लस टू, प्लस टू। जनरल एलिमेंट की बात करें तो यहां पे जो एलिमेंट आते हैं ए वन थ्री, वन थ्री का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने हटा दिया और बाकी जो बचा उसे सॉल्व करो। वन वन सा वन, आगे माइनस का साइन आता है, वन इंटू माइनस वन, ये बना माइनस वन, एक माइनस पहले था प्लस वन। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। और यहां पे आ गया वन प्लस वन टू और टू टू सा फोर, तो ये वैल्यू आ गई फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। और ये आपकी राइट हैंड साइड है। फिर लास्ट में आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव ये फाइनल आंसर। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने जितने ज्यादा हो सके उसमें ऑपरेशन अप्लाई करना। ऑपरेशन अप्लाई का मतलब ये तो कोई चीज कॉमन है, ये भी ऑपरेशन आता है। ये जब आप आर वन तो इसको आर वन प्लस आर टू करें, ये भी इसका ऑपरेशन है। या आप इसे क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये इसकी सभी क्या रहेंगी, प्रॉपर्टी। तो आपने इन्हें ध्यान से करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू और सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है एक्स प्लस फोर, दैट्स फाइन, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, यहां पे भी टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, यहां पे टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर। विद डिटर्मिनेंट ध्यान में रखना, ये मॉड यूज करना है जिसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इससे ये गलती नहीं करेंगे कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और इसे मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। और इक्वल्स टू है फाइव एक्स प्लस फोर, फोर इंटू फोर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये प्रूव करना है आपने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रहा एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, यहां पे टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, यहां पे टू एक्स, यहां भी टू एक्स, और यहां पे एक्स प्लस फोर किया। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपने साथ में उसकी राइट हैंड साइड को भी देखना। यहां पे आ रहा है फाइव एक्स प्लस फोर और बाद में फोर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अगर मैं एक रो को कंप्लीट प्लस कर दू तो आपके पास बनेगा टू प्लस टू प्लस वन, फाइव एक्स प्लस फोर, मतलब राइट हैंड साइड का फर्स्ट वेक्टर आपके पास ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्या बोला मैंने, प्लस कर देंगे एक पूरी रो को। लेकिन ध्यान में रखना जब एक कंप्लीट रो को प्लस करें तो ऑपरेशन किससे अप्लाई होता है, या प्रॉपर्टी कॉलम पे। और एक कॉलम को प्लस करें तो ऑपरेशन कहां पे अप्लाई होता है, रो पे।
तो यहां मैंने रो को प्लस किया तो ऑपरेशन कहां पे लगा, कॉलम पे सी वन पे। तो ये लिखा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री और वैल्यू आ गई ये, यहां पे टू एक्स, यहां पे टू एक्स, यहां पे एक्स प्लस फोर, यहां पे टू एक्स, यहां पे टू एक्स और यहां एक्स प्लस फोर। क्या किया मैंने, आर टू और सॉरी सी टू और सी थ्री को लिख दिया, सी वन पे ऑपरेशन अप्लाई किया है और मैंने प्लस करके आपको बता दिया टू प्लस टू प्लस वन फाइव एक्स प्लस फोर। सेकेंड वैल्यू टू प्लस वन प्लस टू फाइव एक्स प्लस फोर और लास्ट में भी फाइव एक्स प्लस फोर। सी वन पे अप्लाई किया मैंने प्रॉपर्टी का ऑपरेशन बोल सकते हैं आप, और इससे हमें सी वन से कोई चीज कॉमन मिली। तो यहां पे लिखा टेकिंग कॉमन कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम सी वन, सी वन से कॉमन आ गया तो यहां पे मैंने लिख दिया 5x प्लस 4 और जहां से कॉमन आया है वहां पे बचा 1 1 1 बाकी एज इट इज, मतलब 2x यहां पे भी 2x, यहां x प्लस 4 यहां 2x और यहां पे 2x और यहां x प्लस 4। अब एक चीज और ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट में जब भी प्रूफ का क्वेश्चन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आप करें तो सबसे पहले अगर आपसे जीरो सिंगल जीरो या डबल जीरो नहीं मांगना है तो आपने कोशिश करनी है कि एक पूरे कॉलम या रो पे आपको वन 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 बना ले। तो यहां पे फर्स्ट कॉलम में आपके पास वन 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 है, फर्स्ट कॉलम है और जैसे ही आपके पास एक कॉलम या रो में वन 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 बन जाए तो ये चेक करेगी आपकी ऑपरेशन या प्रॉपर्टी किसके ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे कॉलम में वन वन है तो ऑपरेशन या प्रॉपर्टी आपकी रो में लगेगी और रो वन वन होगी तो यही चीज आपने कॉलम की। तो यहाँ पे कॉलम में वन वन है, ध्यान रखना कॉलम में वन वन है तो हम जो प्रॉपर्टी या ऑपरेशन यूज करेंगे वो किस पे होगा, रो पे। तो मैं आर वन और आर टू पे अप्लाई करना होगा था तो ये बना एक बन गया आर वन पे और एक बना आर टू पे। आर वन पे लिखा मैंने आर वन माइनस आर थ्री और आर टू पे आर टू माइनस आर थ्री। अब जो चीज कॉमन थी वो एज इट इज फाइव एक्स प्लस फोर और लास्ट रो को एज इट इज लिखेंगे, क्या थी 1 2x x प्लस 4 1 2x और x प्लस 4 ये बात। फिर यहां से मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं r1 माइनस r3 1 माइनस 1 0 2x माइनस 2x 0 2x माइनस एक माइनस फोर एक्स माइनस फोर, ठीक है क्या क्या बना जीरो जीरो एक्स माइनस फोर। अब सेकेंड में वन माइनस वन जीरो एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स फोर माइनस एक्स और यहां पे भी फोर माइनस सॉरी एक्स माइनस फोर 4 माइनस एक्स और यहां एक्स माइनस फोर ये बन गया। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो हमें जो प्रूव करना है वो है 4 माइनस एक्स। तो ये 4 माइनस एक्स तो बना है, इन दोनों की दोनों को भी 4 माइनस एक्स में चेंज कर दो, मतलब ये बना 5x प्लस 4 इंटू 0 0 यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो 4 पॉजिटिव हो गया राइट नेगेटिव, यहाँ पे जीरो यहाँ पे फोर माइनस एक्स ही है इसे ब्रैकेट कर दिया यहाँ से भी माइनस कॉमन फोर माइनस एक्स और लास्ट रो एज इट इज एक्स प्लस फोर। अब आर वन और आर टू पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया था और इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आर वन से फोर माइनस एक्स और आर टू से भी फोर माइनस एक्स। यहां पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन
फोर माइनस एक्स फ्रॉम आर वन एंड आर टू, दो रो से ये चीज कॉमन आएगी, दो से आए इसका मतलब स्क्वायर में आ जाएगी, मतलब ये बना 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि r1 से भी कॉमन है और r2 से भी कॉमन है, ठीक है। तो ये वैल्यू बनी 0 0 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, 1 2x और x प्लस 4, ये बन गया। ओके, अब आप यहां पे r1 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट जीरो के इक्वल है, और c1 को भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट जीरो के इक्वल है। तो मैं यहां c1 को एक्सपेंड कर रहा हूं, यहां पे लिख दिया एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग c1, c1 का फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, सेकंड भी जीरो है और थर्ड 1, तो ये वैल्यू बनी इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x होल स्क्वायर, एक्सपेंड किया फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड भी 0 और थर्ड 1, 0 इंटू समथिंग 0, अब एक्सपेंड किया c1 को और लास्ट एलिमेंट है 1 और ये जनरल एलिमेंट होता है a1, a1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसे जोड़ दिया ये बना 0, एक माइनस आता है बीच में और एक माइनस ये है 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई 0 प्लस 1 और ये बन गया आपके पास 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x होल स्क्वायर इंटू में 1 इंटू 1 1 और ये वैल्यू आई 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, ए आपकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लाइन दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव ये आंसर, ये हमें प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड लिखा 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू और इक्वल्स तुम्हें आपके पास आएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी ए माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू है। ओके, फर्स्ट जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 a a क्यू 1 b b q 1 c c q, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि या तो फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल 1 1 1 के इक्वल, तो यहां फर्स्ट रो जो है वो 1 1 1 के इक्वल, जैसे रो 1 1 1 के इक्वल हो आपने जो ऑपरेशन अप्लाई करने वो कॉलम में करने, अभी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले कि रो 1 1 है तो ऑपरेशन कॉलम पे और कॉलम वन है ऑपरेशन हो जो लास्ट क्वेश्चन में, तो यहां पे ऑपरेशन लगेगा c1 पे और c2 पे, c1 पे लिखा मैंने c1 माइनस c3 और c2 पे c2 माइनस c3, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करो किस किस पे c1 और c2 पे, तो c3 को एज इट इज वन सी सी क्यू, अब ये बना 1 माइनस 1 0, ए माइनस सी ए माइनस सी ए क्यू माइनस सी क्यू ए क्यू माइनस सी क्यू, सेकेंड 1 माइनस 1 0, बी माइनस
और यहां से बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो दो ऑपरेशन इकट्ठे अप्लाई करनी है, और ध्यान में ये रखना कि जिस कॉलम या रो पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया उसे सबसे पहले लिख लें, जिससे आपको गलती ना हो, रो की जगह कॉलम या कॉलम की जगह रो ना लिख दें आप, ओके। ये ले रहे चले आगे नेक्स्ट। अब इसमें वैसे तो मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक्सपेंड क्योंकि फर्स्ट रो में दो एलिमेंट जीरो के इक्वल आ गए, बट मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, तो ये बन गया इज इक्वल टू जीरो ए माइनस सी, और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया ए माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं अभी लिखता हूँ कौन सा अप्लाई किया। सेकेंड जीरो बी माइनस सी, और यहां पे बना बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड लास्ट इज वन सी सी क्यू ऑपरेट, जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो अभी यहां पे क्लॉज में लिखा हूं, और फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जिसको अप्लाई कर दिया गया, ओके पता लग गया। अब सी वन और सी टू से कुछ कॉमन आ रहा है, सी वन से ए माइनस सी और सी टू से बी माइनस, यहां पे लिख दिया मैंने एक ही कॉमन ए माइनस सी फ्रॉम सी वन एंड बी माइनस सी फ्रॉम सी टू, ये कॉमन आ गया, और जैसे कॉमन आया मैंने उसको लिख दिया ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, जो वैल्यू बची जीरो वन ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड सी टू से जो कॉमन आया बी माइनस सी, तो बचा जीरो वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड लास्ट इज वन सी सी क्यू, ठीक है। अब कॉमन जो चाहिए था वो मिल गया हमें, अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कौन सी होगी वन आर वन, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट जीरो के इक्वल है, यहां पे लिख दिया एक्सपेंडिंग सी सॉरी आर वन, रो वन को कर दिया। अब रो वन को अगर आप चेक करें तो फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो के इक्वल है, सेकेंड भी जीरो के इक्वल है, और थर्ड वन के इक्वल है, ठीक है वन, तो यहां से बनेगा ये a माइनस सी इंटू बी माइनस सी फोर इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस वन। अब वन के बाद जो वैल्यू थी वो क्या रहेगी वो ध्यान से देखिए, आप कर्ली ब्रैकेट यूज किया मैंने, ये आपके पास जनरल एलिमेंट ए वन थ्री, वन थ्री का मतलब फर्स्ट को थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू आई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब फर्स्ट टू एलिमेंट तो जीरो है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बना a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, और साथ में उस ब्रैकेट को ओपन करता हूं मैं बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये देखना ओके। इसमें सी स्क्वायर पॉजिटिव है सी स्क्वायर नेगेटिव, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब
जो स्केल में वैल्यू है उनको इकट्ठा कर देंगे और बाकी जो बची उससे सी कॉमन ले लेंगे। मतलब ये बना ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट में बी स्केल माइनस ए स्केल, इनको इकट्ठा करके ले लिया और यहां से प्लस सी कॉमन, यहां पे बचा बी और यहां पे बचा माइनस ए। ठीक है, अब यहां पे फिर फॉर्मूला अप्लाई हो गया, दैट इज ए स्केल माइनस बी स्केल, ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन यहां पे बी स्केल माइनस ए स्केल है तो उसको लिखेंगे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए और आगे प्लस सी इंटू बी माइनस ए। यहां पे फॉर्मूला जरूर लिखते रहेंगे आप, ए स्केल माइनस बी स्केल कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, ये बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड और दोनों में बी माइनस ए कॉमन है तो ये बाहर निकाल दिया, ये बना ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी और कॉमन क्या आया बी माइनस ए। अब जो ब्रैकेट में बचा हो यहां पे बचा बी प्लस ए और यहां प्लस सी। अब मैं फाइनल आंसर लिखा हूं इसका जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी, अगर इसके बाद आपको पता ना चले तो डायरेक्ट आपने राइट हैंड साइड लिख दी है, लेकिन यहां पे बता रहा हूं फर्स्ट आपको चाहिए था ए माइनस बी लेकिन यहां बी माइनस ए तो यहां से माइनस कॉमन आ गया ए माइनस बी, ये बन गया इन दोनों से माइनस कॉमन, ए पॉजिटिव हो गया बी नेगेटिव वो ले लिया। सेकंड बी माइनस सी था एज इट इज, थर्ड था सी माइनस ए तो यहां पे ए माइनस सी है यहां से भी माइनस कॉमन तो ये प्लस हो गया और ये बन गया सी माइनस ए और लास्ट में ये तीनों पॉजिटिव है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गया। ओके, और राइट हैंड साइड आगे तो आप लास्ट लाइन लिखोगे दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव ये आंसर। ओके, ले लो क्या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसी का क्वेश्चन नंबर फोर और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ वन एक्स एक्स स्क्वायर, वन एक्स एक्स स्क्वायर सेकेंड रो में एक्स स्क्वायर वन एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स और थर्ड रो में एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स एक्स स्क्वायर वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वन माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है वन एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स लास्ट है एक्स एक्स स्क्वायर एंड वन। मैंने बोला कि जब भी आप रूल करोगे ना क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड लिखनी और राइट हैंड साइड में यहां पे वन माइनस एक्स क्यूब है तो यहां पे वन तो है और यहां एक्स स्क्वायर है मतलब यहां पे एक एक्स कम है तो सी थ्री को आपने एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहां पे लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिवाइडिंग सी थ्री बाय एक्स। तो जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये बना वन अपॉन एक्स, ये डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई आपने उसी को करना है जिसे आपने लिखा है सी टू को तो ये बना वन एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन एक्स स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स
डिवाइड वाली टर्म को बाहर लिख दिया और मल्टीप्लाई करने अंदर कर दिया। अब C1 और C3 को आपने माइनस कर दिया, मतलब C1 के ऑपरेशन अप्लाई हुआ C1 माइनस C3, ओके C1 माइनस C3 और C1 1 पे अप्लाई किया तो क्या हमें 1 माइनस x³ ये प्रूव करना है। ये बना आपके पास इज इक्वल टू 1 अपॉन x C1 पे अप्लाई करने के लिए, ये बना 1 माइनस x³ 0 0 1 माइनस x³ यहां पे 0 और ये भी 0। अब सेकेंड रो सॉरी कॉलम x1 x² और थर्ड में x³, चेक कर लेते हैं एक बार x² और x ये बन गया, ओके। अब आपके पास जो प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। अब हमें कॉमन क्या क्या लेना वो ध्यान से देखना। मैंने C1 से कॉमन लिया 1 माइनस x³ और C3 से x, तो यहां पे लिखना देखिए कॉमन 1 माइनस x³ फ्रॉम C1 एंड x फ्रॉम C3, दो चीजें कॉमन ली। क्या क्या कॉमन लिया लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस x³ ये आ गया C1 से और x C3 से, जो वैल्यू बची वो है 1 0 0 x1 x² और यहां से x कॉमन है x² x और 1 ये वैल्यू, ओके। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या चाहिए एक्सपेंड करना, यहां x से x कैंसिल, यहां पे लिखा एक्सपेंडिंग C1 को एक्सपेंड किया, तो ये बना 1 माइनस x³ इंटू फर्स्ट एलिमेंट 1, ये A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये छोड़ दिया, क्या बचा 1 माइनस x³, सेकेंड एलिमेंट 0 और थर्ड भी 0, तो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस x³ होल स्क्वायर और ये आपकी RHS राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ये प्रूव है। क्वेश्चन में मेन चीज अपने ऑपरेशन को अप्लाई करने जितने ज्यादा हो सके, बट दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखना कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करोगे तो उसमें सबसे पहले क्या देखोगे उसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे तभी क्वेश्चन देखेंगे तभी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज a² + 1 ab ac, सेकेंड रो ab b² + 1 bc, थर्ड रो ca cb and c² + 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट आ गया और प्रूफ जो आपने करना है दैट इज 1 + a² + b² + c², ये प्रूफ करना है, ओके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड के साथ, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड
और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी, सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस वन ये। अब आपको जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में उसको देख के चलेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे प्रूव करेंगे? अगर मैं आर वन को देखूं रो फर्स्ट को, तो इसके सेकंड एलिमेंट में भी ये है थर्ड में भी है, लेकिन इन दोनों में ये नहीं है, फर्स्ट में है सेकंड में। तो कहने का मतलब इसको ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किसे आर वन को, उसके बाद आर टू को बी से और आर थ्री को सी से। तो यहां पर लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग आर वन बाय ए कॉमा आर टू बाय B and R 3 by C, ठीक है? तो जो डिवाइड कर रहे हैं हम उसे बाहर लिख देंगे A B C। R को किससे बोला? A से। तो ये बना A से मल्टीप्लाई A square plus one। यहाँ पे A square B, यहाँ पे A square C। ये फर्स्ट आ गया। सेकंड को B से बोला, तो ये बना A b square b into b square plus 1 और ये b square c। थर्ड को c से, ये बना c square a, यहां पे c square b और ये c into c square plus 1। ध्यान में रखना ये मल्टीप्लाई को किया ना, ये इन टर्म्स को देख के, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाली में तो a था b था या c था, लेकिन सेकंड वन 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 थी इसलिए। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर वन आर टू आर थ्री को किया तो आपने कॉमन सी से लिया है, ठीक है? सी से ए सॉरी सी वन से ए, सी टू से बी और सी थ्री से सी। तो यहां पे लिखा नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग कॉमन कॉमन ए from C1, B from C2 and C from C3। जैसे कॉमन लिया आपने, पहले से आपके पास ए बी सी अपॉन में था और कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या आ गया ए बी सी, जो कि कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आपके पास बची वो देखूंगा, यहां इससे लिया कॉमन ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सेकंड में बी कॉमन लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर और लास्ट में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस वन। एक बार चेक कर लेते हैं हम यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, ये रहेगा, ठीक है? अब जो हमें प्रूव करना है वो दिख रहा है, क्योंकि हम रो को प्लस करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा। जो हमें प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर कॉलम को प्लस कर लीजिए, एक कॉलम, कहने का मतलब जब कॉलम को प्लस करते हैं तो ऑपरेशन दो पे अप्लाई होता है, मतलब आर वन को अप्लाई आर वन क्या आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आर पे अप्लाई किया क्या बोला, आर पे अप्लाई किया तो आपने आर टू और आर थ्री को ऐसे लिख दिया, मतलब बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर C square and C square plus 1।
हम आर वन पे अप्लाई कर रहा हूँ, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस जो प्रूव करना था वो हमारी आर वन में हमें दिख रहा है, तो इसे कॉमन निकाल देंगे, लेकिन कॉमन कॉमन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम आर आर वन से कॉमन ले लिया। अब जब आर वन से कॉमन ले लिया तो आपके पास बना इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन, और फर्स्ट रो में आपके पास होता वन वन वन, सेकेंड और थर्ड देख लेते हैं, यहां से बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर, लास्ट में सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब वहीं पे पहुंच गए, कहां पे, जहां पे मैंने बोला था एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम पर वन वन इक्वल है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यहां पे ऑपरेशन सी पे अप्लाई होगी, सी वन पे और सी टू पे, क्या बना सी वन माइनस सी थ्री सी टू माइनस सी थ्री, यहां पे जो वैल्यू आपके पास बची वही है जो कॉमन था एज इट इज। अब C1 और C2 पे अप्लाई करें तो C3 एज इट इज, ऐसे ओके। अब अप्लाई करो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब एक्सपेंड करो यहां एक्सपेंड, और एक्सपेंड किसे दिया आर वन को, आर वन को एक्सपेंड किया तो ये बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक्सपेंड करते तो वैल्यू आई दैट इज फर्स्ट 0 सेकंड 0 थर्ड 1, और 1 कहां पे आया जो जनरल एलिमेंट होता है दैट इज ए 1 3, 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको हटा दिया तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया, आपके पास बचा 0 माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, तो ये 1 इंटू 1 1, मतलब आपके पास वैल्यू आई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनटू में जो बचा वो बचा 1, और 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ही आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई। तो आप नेक्स्ट में लिखिए दिस इक्वलाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हेंस प्रूव, ये चीज प्रूव, ओके पता लग गया। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन जितने ज्यादा हो सके आपने अप्लाई करनी है, और कोशिश ये करनी है कि किसी रो या किसी कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब किसी भी रो या कॉलम में या तो एक या ज्यादा से ज्यादा दो एलिमेंट को जीरो बनाकर उसके बाद उसमें से कुछ कॉमन लेके तब आपने उसे क्या करने एक्सपेंड करने उससे पहले, ओके ओके, थैंक यू।